Hey guys, what's up and welcome back to my channel. I hope you all are doing well. And today I'm going to react on IU's vlog. और वो नेपाल आने वाले हैं और दूसरी बात अलीज़े ने नकाब जो है वो हटा दिया है. So I'm super excited to watch the first vlog जब उन्होंने नकाब हटाया उसके बाद. So without any further delay, let's get started. I just don't want कि जब मैं एकदम से आऊँ without mask तो आप लोग बोलो so you know you all baba ha mera beta are you mere nakab jaise hata diya abhi baar mein lagaya hai mask bas aur ekdam se samne nahi aaye isliye warna to unhone hata diya hai na jaise bachcho ko karwate hai hai re kitne pyare moments hote hain yaar acha lag raha bilkul matlab apne bachche ki tarah rakhna hai अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम टू अनदर व्लॉग. कैसे हैं आप सब, कैसी तबीयत है? सो आई एम बैक विद अनदर व्लॉग. पिछले वाले व्लॉग में आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया था, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ये प्यार मुझे मिला. इट वॉज अ वेरी रैंडम व्लॉग बट ओके इट्स ओके. कभी कभी मैं इतनी मेहनत करती हूँ लेकिन इतना अच्छा नहीं रहता व्लॉग, लेकिन कभी कभी मैं जीरो मेहनत करती हूँ लेकिन इतना अच्छा जाता व्लॉग. मतलब मिलता है ना कि ये हुएगा तो कभी बाहर. नॉट जस्ट मी, आयुष बाबा एंड मैं. एज यू ऑल नो दैट टाइम बहुत ज़्यादा काफ़ी करीब आ रहा है एंड हम जाने वाले हैं नेपाल. मैंने ऑलरेडी अपनी शॉपिंग कर ली है बट आयुष की थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन मेरी भी थोड़ी बहुत रहती है. वी नीड टू यू नो बाय सम गिफ्ट्स एंड देन आयुष की थोड़ी सी शॉपिंग करनी है. उससे अपनी शॉपिंग नहीं की थी. मुझे कुछ चीज़ें वगैरह सेल्फी स्टैंड एंड ऑल दैट स्टफ. You be like selfie stand, हाँ, because sometimes you know कोई बिजी होता है तो किसी को बोल नहीं सकते कि पिक्चर ले दो, तो खुद लेनी पड़ती है. सो यस, लेनी है चीजें. तो बाबा भी साथ जा रहे हैं ताकि हम जल्दी सारी चीजें कर सके. बहुत सारी जगहों पर जाना है तो जहां जहां जाएंगे मैं आप लोगों को दिखाती रहूंगी. मे बी आयुष व्लॉग बनाएगा बट आई डोंट नो. आयुष कल रात से नहीं सोया है एंड ही इज लाइक उसकी आंखें ऐसी 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 हो रही है. so ऐसा क्यों भाई, टाइम से क्यों नहीं सोया है? के बनाओ व्लॉग, लेकिन अगर उसने नहीं बनाया तो कोई ये वाला देख लेना. तो हम दोनों ही देख मुझे ये ना बोले कि लीजिए थोड़ी रिंग कितने, मतलब रिंग 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 है ना. मेरी रिंग मेरे रूम में रखी हुई है, अभी जब मेरे रूम में जाऊंगी तो पहन लूंगी. फाइनल मैसेज फॉर एवरी वन, बिकॉज मैंने यूट्यूब पे ये वाली बात नहीं की थी. ऑलरेडी मैंने इंस्टाग्राम पे सारी बातें कर दी, बट अगर आपने नहीं देखा है तो मैं ये वन बाय वन जो है इधर स्क्रीन शॉट लगा लूँगी, आप लोग अपना टाइम लेकर पढ़ सकते हैं. सो वही बात मैं यहाँ टाइम लूँगी बिकॉज आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू एग्जैजरेट, आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू मेक थिंग्स what we say worst for me or you know it's just like that. So I just don't want ke jab main ekdam se aau without mask to aap log bolo ye kaun hai. So you know you all should definitely know, as you all know I'm avoiding wearing half niqab because I have my own thing. I just don't want to make it long and अपनी क्लैरिफिकेशन और वो चीज़ दोबारा मुझे नहीं देनी है. अगर आपने ये पोस्ट नहीं पढ़े तो ये मैंने स्क्रीन शॉट इधर लगा दी, आप प्लीज रीड कर सकते हैं. एंड यू फ्री टू जज, यू आर फ्री टू जज. आई एम आंसरेबल टू अल्लाह. यू ऑल आर फ्री टू जज. यू कैन कॉल मी शेमलेस, यू कैन कॉल मी एनी थिंग यू वॉन्ट. क्योंकि हेटर्स हैं यार, वो तो बोलेंगे हमको. आप मेरी गुनाह कम कर रहे हैं, शुक्रिया बहुत बहुत. बस यही बोलूंगी कि इफ वन डे यू विल जस्ट सी मी विदाउट दिस, सो जस्ट डोंट पैनिक. अभी मैंने जो है बाहर से, क्योंकि मैंने इतना मेकअप क्या किया हुआ है, मैंने दिख रहा हूँ तो मैंने चाय मंगवाई है अपने लिए, बाबा के लिए, आयुष के लिए ठंडा मंगवाया है. सो वो जाकर मैं लेती हूँ, वो बाहर है. मैंने उसको बोला 5 मिनट दे दे, मैं अपनी यूट्यूब वीडियो कम्प्लीट कर दू, आ रही हूँ. तो वो लेते जल्दी से फटाफट एंड देन खाते, मतलब चाय पीते और निकलते. टाइम हो रहा है आई थिंक 1:30. सो यप, इट्स अ परफेक्ट टाइम. वी नीड टू गो अ लॉट ऑफ जगह. सो टू गो अ लॉट ऑफ जगह, ऐसा वाला हिंदी में मिक्सचर हो रहा. अच्छा लग रहा है मुझे. ये है कि धूप है बट वही जून जुलाई वाली धूप नहीं है, अच्छी धूप है, हवा चल रही है, दिख रही है अच्छी. अब नेपाल जैसा तो मौसम नहीं हो सकता लेकिन अच्छा है. नेपाल में तो बड़ा वाली को बड़ी ठंड लगेगी ना, चीजें लोगों को दे देता है. दिलदार, दिलदार तो आयुष इतना दिलदार है कि आयुष ने मुझे अपना नया चश्मा दे दिया है, आप देख सकते हैं.
आज अली से टाइम नहीं कर रही है। ये आयुष का है, ये मुझे दिलदार बनने ने दिया है। देखिए आयुष कितना, मतलब ओह माय गॉड, बहुत दिलदार है बाबा। इतना भी बड़ा दिल नहीं रखना चाहिए आयुष की। अपनी आंखों को तुम उसमें डालो संकट में और तुम मुझे अपना चश्मा दे दो। देख सकते हैं कि मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। आयुष तो लगा के बिल्कुल अंधा लगता था। अब इस बार में आयुष का एक्सप्रेशन दिखाओ। सो ऑन द वे हो गए, पेट्रोल शेट्रोल डाल रहे हैं। क्या बाबा, ओ हाँ इसी से आएगा, रुको जैसे देखते हैं। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं और आयुष बिल्कुल प्रोटेक्शन के साथ चल रहा है और इसको मैं आज कुछ भी नहीं होने दूंगी इंशाल्लाह। और पहले तो हम सोच रहे हैं कि आयुष के लिए मास्क बनवाते हैं बालों के लिए, बिकॉज इससे ज़्यादा बालों से ये पहचाना जाता है। और हम आ चुके हैं डेरा दुबई बाबा के साथ। अरे अरुण के बाबा ऐसे नीचे आगे 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 ही चले जा रहे हैं। ये मस्जिद है, हाँ ये मस्जिद है। वाह यार काफी चेंज हो गया है। मैं तो डेरा आई थिंक आफ्टर एजेस आ रही हूँ। पता है बाबा मैं कितने टाइम बाद आ रही हूँ, जब हमारी शॉप हुआ करती थी। हाँ 7 साल के बाद आ रही हूँ। मतलब दुबई में रह के भी आसपास के इतने जगह बाहर ही नहीं जाते होंगे ना, ज्यादातर गर्मी की वजह से ना। ये भी 7 साल ये तो लाइफ में पहली बार आ रहा होगा। पप्पा की शॉप वगैरह थी, हम आते थे, पप्पा हमें शवरमा वर्मा खिलाते थे और फिर भिजवा देते थे कि जाओ घर जाओ, दफा जाओ, काम करने दो। और ये सन मुझे चुमिया दे रहा है बिकॉज आज मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। और आयुष को भी दे रहा है, इट्स ओके, सन चुम्मी दे रहा है मुझे। पापा काफी धूप नहीं है, गर्मी नहीं है ना? हाँ वैसे गर्मी नहीं, अच्छी लग रही है धूप। सन ब्लॉक लगाया हुआ था मैंने आयुष को तो जरूरत नहीं है, काला है बिल्कुल काला। आयुष तो बेचारा एक्सप्रेशन देने में ही रहता है। शूज वगैरह ले रहे हैं फॉर मामा एंड कुसुम। अभी वो लोग साइजेस लेने के लिए गए हैं। कुसुम तुम्हारे लिए आयुष और बाबा ने चूज किया बिल्कुल ब्लैक कलर में, बिल्कुल ही ब्लैक है। मतलब आई वाज टेलिंग देम कि कुछ इनमें से रंग बिरंगी चूज कर लो, लाइक आई लाइक दिस वन इज वेल and I like this one as well because this one is very girly, ठीक है। लेकिन नहीं भाई इन लोगों ने बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट वाला दिया, बिल्कुल क्या मैं बोलूँ, लेकिन अब पहन लेना। और ये वाला, ये मामा ने ये वाला मैंने चूज किया है मामा के लिए, ये वाला अच्छा है। अभी पिक्चर के बेचारे ज्यादा कलर वाले पे जाते ही नहीं थे, वो किसी नीचे से आएंगे जो पापा वाले हैं इसके, वो चाहे नॉर्मल वाले हैं इसके, बहुत रेयर लड़के ऐसे मिलेंगे जो ट्रेंड इधर नीचे ट्राई करेंगे। आज फाइनल है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है बट आज अल्लाह खैर करे 209 इतना कम स्कोर और 6 विकेट्स। मैं दिखा थोड़ा सा दिखाती हूँ वरना कॉपीराइट लग जाएगा, दिल दुख दुख कर देती हूँ। बहुत इमोशनल मोमेंट था वो सब इंडियंस के लिए वर्ल्ड कप वाला, बट वी आर प्राउड ऑफ यू इंडियंस। बहुत ही मुश्किल हालात है। जब तक ये ब्लॉग आएगा मैं पता लग चुका होगा कि वर्ल्ड कप किस तरीके का, ये वर्ल्ड कप है ना T20 नहीं ICC। देखो कैसे देख रहा है मुझे जैसे पहली बार देख रहा हूँ। बाबा हाँ मेरा बेटा, आपका दिमाग घूम जाएगा उसको ऐसे छोड़ रहा है। हाँ मेरा बेटा यार इनके पापा से भी इनकी बॉन्डिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मामूल भी देखिए इतना नहीं बोलती पर पापा। ओके ओके चश्मा मैंने लिया है, आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, कूल लग रहा है। सो दिस इज माय न्यू ग्लासेस, इट जस्ट कॉस्ट मी 300 dirhams। नहीं बाबा रेड परफ्यूम बनवा रही हूँ, ये ऐसी बनती है व्हाइट मस्क किसका नाम है। सो अगर आप लोगों ने कभी ट्राई यार मेरे को भी लेना इतर वगैरह, इनकी खुशबू इतनी अच्छी लगती है ना। अरे अच्छा ही लो गाइस, हमारी मतलब 60% अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग हो गई है, अभी थोड़ी बहुत रहती है। पाकिस्तान की 5 बज गई, हम लोग 2 मिनट बाकी पास के लिए। यस देखते लेकिन लग नहीं रहा ना 5, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि सुबह सुबह यहाँ पे अभी जहाँ मैं रह रही हूँ ना इंडिया में नॉर्थ वाली साइड में 5 बजे अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल ऐसा लगता है रात ही होगी। गर्मी थी बेटा ये तो किस सीजन है इसका। आयुष क्या
दिखा क्या लिया आपने? अरे ये मेरे बाल भी हुआ करता था। कैसे यूज होता है ये? बालों में ऐसे। हाँ तो तुम्हारे बगीचे में जो है बिल्कुल वही हो गया गायब। डैंड्रफ है इसलिए बोलते नहाया करो। मोती गिरे मोती पागल नहीं कर डैंड्रफ गिर रही है मोती गिरे मोती। हाय रे फिर होती है कुछ लोगों को मुझे भी डैंड्रफ हो जाता है। कौन सा नशा कर रहे हो? क्या नशा कर रहे हो? देखो इधर मैंने आयुष के थंबनेल पिक्चर लेने की कोशिश की लेकिन अच्छी नहीं आई है। और देखो इस बेचारे को ना सोके देखो यार कसम से इससे मतलब ये पूरा दिन 24 आवर्स सोया नहीं है ये बेचारा। ये मेरा शहजादा कितना पाला लग रहा है। हाय रे इसको तो डन करो प्लीज डन। वो तो हो गई उधर 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 उसके अंदर। अरे अरे मिल गए फैंस मिल गए बाग बाग के आते हैं। ये तो हर ब्लॉग में होना ही होता है मतलब ये ना होता ऐसा लगता है क्या कुछ गड़बड़ थी यार। जैसे बच्चों को हाँ अच्छा लग रहा है। अब खिंचवा लो फोटो। हाँ बहुत प्यार लग रही है ले आयुष। गाइस मैं इस इनहेलर पे जिंदा हूँ देख सकते हैं आप लोग। अच्छे से पहनो ना। बच्चा ही लग रहा है। तस्वीर लगा खेल दिया वीडियो बना ली। मस्त मस्त यस। तो गाइस हम सब में से जो मस्त शॉपिंग हुई है ना वो आयुष की हुई है लिटरली। ये बाबा ने करवाई है इसको शॉपिंग। खुशी चेक करो होती है मतलब इसने पहन के देखा है। बाबा ने पहना बना कर देखा है। और वाह इतने शॉपर्स हैं। 1 2 3 फोर्थ बन रहा है इसकी। और जब ये पहनेगा ना तब आप लोग देखना इतना प्यारे प्यारे से ड्रेसेस दिए ना। गाड़ी में से अलग ही खुशी होती है ना अपनी कंट्री जाने की अपने घर वापस जाने की। बाहर जाने की भी होती है पर घर जाने की भी होती है। किस तरीके से हो गई यार आवाज एकदम से खराब हो गया। लेकिन अभी हम जोशांदा पियेंगे तो जोशांदा से काफी फर्क मिला है सो इट विल बी फाइन इंशाल्लाह। लड़के जैसी आवाज होगी मतलब बाहर होते हैं ना पर ठीक है आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा खाना आ चुका है शवरमा कितना बड़ा है ना ये शवरमा मतलब वाओ जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। ये रील भी बड़ी चली है आवाज तो दीदी जहाँ देखो वही जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। मैं और चुप लाइक मैं और चुप नो वे नहीं रहा जाता बाबा ऐसे कुछ अंदर होने लगता है यार बोलो कुछ तो घर को रवाना हो जाएंगे। सो गाइस मैंने अभी ये कफ सिरप पिया है ठीक है
और ये मेडिसिन वगैरह खाई है, ये मैंने ये जो ये चीजें खाई थी एकदम, क्या हो गया? पापा ने कहा है और चाय पी के ऑन द वे घर के लिए तो सुकून मिला यार, ये सिरप पी के कसम से अंदर गया है सुकून मिला सच में। मैं डर गई तुम्हें देख के, बेचारा नींद से कैसा हो रहा है यार। गाइस आयुष तो सो गया, अच्छा हुआ सो गया, मैं यही सोने वाली थी सो जाओ यार गाड़ी में, लैप पर सो रहा है। मैं अपना व्लॉग एडिट कर रही हूँ गाड़ी में बैठे बैठे ताकि फिर घर जाते जाते आयुष को भी कर सकूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ये चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगती है, बताती हूँ जो चीज अच्छी लगती है ना कि यू नो एक दूसरे की जो भी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी म्यूचुअल रखते हैं। जब भी आयुष अलीजे साथ होते हैं ज्यादातर अलीजे ही व्लॉग एडिट करती है और वो बिल्कुल ये करती है कि मैं ऐसे अभी ये कर लेती हूँ फिर आयुष का भी करना है ये करना है, मतलब ये नहीं सोचते कि यार वो अपना अपने आप करेगा, अभी मैं नहीं कर रही, मैं नहीं करना चाहती, मेरा मन नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब वो जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि यार ये हम हैं, ये हमारा काम है, ये हमें ही करना है, और अपना समझ के उसको कि मेरा ही काम है, मेरा ही व्लॉग है, वैसे ही एडिट करना है ताकि व्लॉग टाइम पे जाए, तो ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और दूसरा जैसे अलीजे की फैमिली आयुष को ट्रीट करती है ना, जैसे शॉपिंग करवाना है, आज तो बिल्कुल बच्चों की तरह से पकड़ पकड़ के पहना रहे थे आयुष को उनके पापा, तो वो चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है यार देख के। हालांकि आयुष अलीजे बहुत यंग है बट जैसे उनकी फैमिली उनको सपोर्ट करती है, उनके साथ है, वो चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और टचवुड आगे भी ऐसा ही रहे, इतना ही प्यार बना रहे, बिकॉज ये बहुत जरूरी है यार, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है और जब इतना प्यार मिले तब तो ऐसे आई हाय दिल खुश हो जाता है बिल्कुल। और अभी वो नेपाल भी आने वाले हैं, नेपाल आने के बाद तो उनके व्लॉग्स उनकी वीडियोस कुछ नेक्स्ट लेवल ही होता है, बिकॉज वहां पे अपने लोग ज्यादा हैं, फैंस ज्यादा हैं, और मतलब एक वो घर वाली फीलिंग होती है ना आयुष के लिए, यू नो अपना तो अपना ही होता है ऐसे वाला, तो वो चीज देख के वहां पे कंटेंट बहुत निकालते हैं ये लोग, और कोलैब वगैरह भी आई थिंक अब की बार तो होंगे आएंगे तब, और उनकी एनिवर्सरी भी आने वाली है, फर्स्ट एनिवर्सरी वो भी सेलिब्रेट होगी, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। एंड या ये चीज भी मुझे अच्छी लग रही है, कुछ टाइम के लिए आयुष वहां रहता है फिर अलीजे साथ आती है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस को भी मैनेज कर रहे हैं वो भी इतने अच्छे से, तो वो चीज भी मुझे अच्छी लगती है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, इफ यू डू देन प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।